कैंप साइट छोड़ते ही हमें इतना प्यारा बैक साइड का व्यू देखने को मिल रहा है। पूरे बादल उड़ रहे पहाड़ों के ऊपर, आराम से भेड़े अपना खाना एंजॉय कर रही हैं। अब हम लोग ये सामने से चढ़ना शुरू करेंगे। आपको दिख रहे होंगे लोग चढ़ रहे हैं और वो पूरी खड़ी चढ़ाई करते हुए धीरे 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 वो स्ट्रेट में लेफ्ट पहाड़ पे ट्रेल आपको नज़र आ रही होगी, वहाँ से चलते 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 इस पहाड़ के पीछे फिर हम वॉक करना शुरू करेंगे। सो एवरीवन, मेरे इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारी और भी खूबसूरत से प्लेसेस के वीडियोस एंड फोटोज देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड मेरा हैंडल है HRICHA.JOSHI। गाइस, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी आप किसी माउंटेन ट्रैकिंग पे ऐसे आते हैं जहाँ वीक्स की ट्रैकिंग रहती है, तो बेस्ट चीज़ रहती है रात को टाइम से 9 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक आप सो जाइए, क्योंकि यहाँ सुबह रोशनी बहुत जल्दी हो जाती है। सो 5 बजे 5:30 बजे आपकी नींद खुल ही जाएगी। सो जितना जल्दी आप सोएंगे उतना जल्दी फ्रेश उठेंगे एंड उतना आप अपनी ट्रैक एंजॉय करेंगे बिना थके हुए। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, यहाँ पे अंधेरा भी काफ़ी लेट होता है, 8 बजे 8:30 बजे तक रोशनी रहती है। सो जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज, ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम, वेक अप ऑन टाइम, वेकिंग अप फ्रेश इन द मॉर्निंग रियली हेल्प्स टू मेक योर डे। आज रियाज भाई लोग भी मिल गए हमको, सबसे पीछे तो नहीं है ना हम लोग? नहीं, अच्छा ट्रैक है, नाइस। अच्छा, थैंक यू। आप तो हमारी बराबर चलते हैं। अच्छा जी, नहीं हम बिल्कुल भी नहीं चलते आपके बराबर, बहुत धीरे चलते हैं। नहीं, आप फोटो उठाने में टाइम थोड़ा लग जाता है ना। हाँ जी, चलिए। फिर से चढ़ाई शुरू हो गई है। कैसी ज़िगज़ैग लाइन में चढ़ना है देखिए आगे, और यहाँ अब दूसरी ब्रीड की भेड़ बकरियां नजर आ रही हैं। अरे वाह, सामने देखिए क्या कॉम्बिनेशन है नेचर का। अब तो देवदार के पेड़ भी दिखने लग गए, पाइन ट्रीज, उनको देवदार बोलते हैं हिंदी में, पहाड़ी में। पूरा मिक्स नेचर दिखाई दे रहा है, क्लाउड्स एंड माउंटेन्स, पूरा ग्रासलैंड, उसके नीचे फुल पाइन ट्रीज, वैलीज।
सत्सर लेक्स ग्रुप की सबसे बड़ी लेक हमको जो देखने को मिली वो ये है। सत्सर का मतलब होता है सेवन लेक्स, जिसमें से तीन अल्पाइन लेक्स को आप इस ट्रैक में कवर करेंगे और बाकी की चार लेक्स इस ट्रैकिंग रूट पे नहीं पड़ती हैं। लुक एट दिस एवरी वन, ये कनेक्टिंग लेक है जो मैंने आपको लेक दिखाई थी अभी जस्ट पहले उसके साथ। कैन यू सी द व्यू, हाउ ब्यूटिफुल इट्स लुकिंग। ऐसा लग रहा है एकदम एच पे जाके वहाँ से नीचे वाटरफॉल जा रहा होगा। ये रहा हमारा टेंट और हमारे नेक्स्ट हमारे पोर्टर और गाइड का टेंट है। एकदम रिवर साइड है आज हमारे पास, टेंट के जस्ट सामने रिवर है। कैंप साइट से फ्रेश होते ही हम लोग वापस निकल पड़े सेम लेक को देखने जो सबसे बड़ी लेक हम लोगों ने देखी थी। कैंप साइट से बस 5 मिनट की वॉक करते ही हम लोग पहुंच जाते हैं खूबसूरत सी लेक पे। इतना विंडी है इस टाइम पे इस कैंप साइट में मौसम, टाइम लैप्स की भी जरूरत नहीं है। बादल इतना स्पीड में भाग रहे इधर उधर, देखिए सामने, ये नॉर्मल वीडियो है। बारिश होने लगी है, ये लोग भी निकल पड़े अपने घर को। ये है अपनी सत्सर की कैंप साइट आज की, और ये रहा अपना टेंट। टेंट के बारे में मैं आपको बताना भूल गई थी, इस बार मैं लेके आई हूँ डीकैथलॉन से ये 2-pack टेंट। तो इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत इजी है, 2 layers हैं इसमें। अपसाइड रेन कवर रहता है एंड रीजनेबल भी है काफ़ी। साथ ही साथ ये जो स्लीपिंग बैग मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, ये -10 degrees तक सपोर्ट करता है। भाई रियाज भाई, क्या बन रहा है खाने में? आज हमारा राजमा बन रहा है। राजमा चावल खाएंगे आज हम? चलो बढ़िया, ठीक है। और अली भाई कहाँ गए? अली भाई वो आगे बूढ़े लाने के लिए। ओके ठीक है, इधर बन रहा है हमारा गर्मा गर्म खाना, ठीक है। और जो रियाज भाई और अली भाई हैं ये लोग सोनमर्ग से हैं, और काफ़ी अच्छे से आप अगर आप लोग प्राइवेट टूर करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं आपको, टेंट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। हाँ रियाज भाई जी जी, तो हम सोनमर्ग से बिलोंग करते हैं, हमारा सब सामान अवेलेबल है, टेंट घोड़े गाइड सबको आप मिलेगा, कुछ भी मिलेगा यहाँ से आपको। और जो प्राइवेट आते हैं हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, तो हमें कॉल करना, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा पूरा 6 दिन का हमारा ट्रैक। ठीक है, थैंक यू रियाज भाई। मैं रियाज भाई के पूरा कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल सब इस यूट्यूब वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी, और मैं स्पेशली रिकमेंड करती हूँ इनके साथ आइए, क्योंकि हम लोगों ने ट्रैकिंग करा इनके साथ तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने ट्रैक किया है। दिल तो चाहता है ये वक्त ठहर जाए, थोड़ा और जी लें इन पलों को, पर वक्त कहाँ किसी के लिए रुकता है। तो आज का दिन भी ढल गया, नेक्स्ट मॉर्निंग से day 5 की जर्नी लेकर मैं आती हूँ जल्दी आपसे मिलने। और हाँ, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबका आंसर करूँ। तो गुड बाय फॉर नाउ एंड सी यू सून।